हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे 10th क्लास का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी सॉल्वेशन के तीन मेथड्स हैं हमारे पास। तो आज हम उन तीनों मेथड्स को ही स्टडी करेंगे कि उनकी सॉल्वेशन कैसे की जाती है और लीनियर वेरिएबल इन टू इक्वेशंस में जो दो वो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली 10th क्लास में हमारे पास तीन मेथड हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के। तीन मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड्स ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन है, मैंने टू इक्वेशन ले ली। एक है मेरे पास 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैंने इसको नेम दे दिया। देखिए, एक बात याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x की या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही आपने प्रेफर करना है। जैसे इस समय मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 था, प्लस का 5y उधर जाके माइनस का 5y बन गया एंड x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5y अपॉन 8। जब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब आप ध्यान रखना कि बिकॉज आपने x की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 में से निकाली थी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में से जो वैल्यू निकाली है x की, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ऑपोजिट इक्वेशन में पुट करना है। उसी इक्वेशन में पुट करने की गलती मत कर देना। ठीक है, अगर फर्स्ट में से निकालोगे वैल्यू को तो सेकंड में पुट करना है, अगर सेकंड में से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करना है। तो फिलहाल हमने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू को निकाला था, तो हम सेकंड इक्वेशन में उसको पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है। सेकंड इक्वेशन है क्या मेरे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, x की जगह पर ये वाली वैल्यू लिखी जा सकती है जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल लिया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x की जगह पर वो वाली वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। बाकी सब कुछ वैसे ही है, जहां पर x था वहां पर वो न्यू वाली वैल्यू आ गई। अब जो 3 है, अब आप ध्यान दीजिएगा, उसको ब्रैकेट में रखना है ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आसानी रहे। अब 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 3 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। सो साइन वैसे ही रहेगा, प्लस 2y नीचे 1 लगा लिया इज इक्वल टू 4 वैसे ही है। अब एलसीएम लेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो आप बेटा ध्यान दो कि ये वाला 8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 टू द यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16y और नीचे 8 वन द कितना रहेगा, 8। होप आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू वाली टर्म वैसे ही है, 27 वैसे ही रहा, माइनस का 15y प्लस का 16y प्लस माइनस y वाले सॉल्व हो रहे हैं, y वाली लाइक टर्म सेम टर्म्स है, माइनस का 15y प्लस का 16y दोनों को प्लस माइनस किया, प्लस का y बचा। ठीक है, जब हम सॉल्वेशन कर लेंगे तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करना है, इक्वल टू वाली टर्म में 4 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करना है और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी टर्म के साथ। ठीक है, तो 1 को जब इसके साथ करेंगे तो ये तो डिट्टो कॉपी वैसी रहेगी, 27 प्लस वाई ही रहेगी। 8 को 4 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 32। नेक्स्ट स्टेप में 27 जो है हमारा वो उधर जाके कितना हो गया, माइनस का, तो 32 में से 27 गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये y की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई थी, x की वैल्यू क्या थी, 9 माइनस 5y अपॉन में 8। बिकॉज y की वैल्यू आ चुकी है तो अब y की जो वैल्यू आई है हम ट्रांसफर कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, आप चाहे 1 में भी पुट कर लेना, 2 में भी पुट कर लेना, आंसर तब भी आ जाएंगे, नो इश्यू। जब एक वैल्यू आ जाए तो आप तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देना, आंसर आएगा ही आएगा। ओके, तो थर्ड इक्वेशन इजी है तो मैंने वहां पर पुट कर दिया इसको, 9 माइनस 5y अपॉन 8 है तो y की जगह पर कितना आ गया, 5, 5 5 का 25, तो 9 में से 25 गए, माइनस का 16 अपॉन में 8, कटिंग करके कितनी आ गई x की वैल्यू, माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखिए 10th क्लास में जब x एंड y की हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो फिर भी स्टार्टिंग में माइंड कंफ्यूज रहता है, क्या ये वैल्यू सही आई थी, क्या हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो आप ग्राफ में ना उसको चेक कर लेना। चेक करने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। हाउ टू चेक योर आंसर इज करेक्ट। रफ वर्क में करना है बेटा, आपने कोई भी क्वेश्चन उठा लेनी है 1 और 2 में से, ठीक है 1 और 2 ओरिजिनल इक्वेशन में से। 8x + 5y = कितना है 9। जो आपके x एंड y के ओरिजिनल आंसर आए थे इसमें पुट कर दीजिए। x की जगह पर कितना आ जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा -2 और y की जगह पर कितना आ जाएगा 5 जो हमने वैल्यूज निकाली थी। 8 को 2 के साथ किया बेटा कितना आएगा -16। 5 को 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 25। तो -16 + 25 = कितना आ गया 9। तो आंसर भी क्या आना चाहिए था, राइट हैंड साइड पे भी क्या है 9। सो दोनों आंसर करेक्ट ही आए हैं हमारे पुट करने के बाद, राइट हैंड साइड के बराबर आए। तो दैट इज वाई हमारा आंसर क्या है राइट है। सो जो हमारे एक्स एंड वाई के आंसर थे वो करेक्ट है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के, जो भी आपके बुक्स में काफ़ी सारे होंगे, उनकी एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना।